अभी मैं अपने टारगेट वेट पे नहीं पहुंची, 10 to 15 kg मेरा वेट अभी ज्यादा है, एक माह हो गया है मैं स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ। जो मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, इससे आप लोगों का 6 से 7 किलो एक महीने में गिर जाएगा। आप यकीन करो, मैंने कोक को टच भी नहीं किया, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कोक। अब ऐसा करते हैं जी, चैलेंज ले लेते हैं, मिल के ले लेते हैं, मेरे साथ चैलेंज ले लो आप लोग, ठीक है? मैं भी चैलेंज लेती हूँ, आप लोग भी चैलेंज ले लो। जितनी न्यू मॉमीज हैं, जो जो मेरे साथ डाइटिंग करना चाहते हैं, हम लोग स्ट्रिक्ट होके करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू आर फाइन। कैसे आप सब लोग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज ऐसा सीन है कि आप लोग सारे कह रहे थे हमारा डाइट प्लान बता दो, डाइट प्लान बता दो। पहले मुझे तो पतला होने नहीं दे रहे, पहले पूरे मैं टारगेट वेट पे अभी नहीं पहुंची, ठीक है? तो अभी मैं डिटेल्ड में वीडियो होगी, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोगों को देने लगी हूँ। तो अभी जो है ना, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या है। वो सब कहते हैं हम अगर ब्लैक कॉफी पियेंगे तो बीपी का इशू है, अगर हम जीरे वाला पानी पियेंगे तो इसका इशू है, क्यों? अगर आप लोग गर्म पानी पी लोगे तो उससे तो कुछ नहीं होगा ना, ना बीपी हाई होगा ना लो होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्योंकि मॉर्निंग में आप लोगों ने खाए बगैर कुछ भी नहीं खाना, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों ने ये 3 किस्म की चीजें करनी है। पूरे वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है? 7 दिनों में से आपने 2 दिन गर्म पानी पीना है। ये देखे मैंने पानी बॉइल किया है, ये चेक करो। और आप लोग एक कप में ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डालो, सादा गर्म पानी, कुछ भी मैंने इसके अंदर नहीं डाला, खाली ये गर्म बॉइलिंग वाटर है। तो आप लोग हफ्ते में 2 दिन, मतलब मंडे ट्यूसडे जैसे होता है, तो आप लोग ये पी लो। इसको पीने के बाद आधे घंटे के बाद आप लोगों ने नाश्ता करना है। नाश्ता मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको ड्रिंक्स बता रही हूँ। 2 दिन गर्म पानी पीना है, 2 दिन ब्लैक कॉफी पीनी है। जिसको बीपी का इश्यू नहीं है, जिसका बीपी हाई नहीं होता, लो नहीं होता, गरम नहीं लगता, मुंह पे दाने नहीं निकलते, क्योंकि बहुत लोगों को ये गरम होती है बहुत ज्यादा, गरम पानी कप का लेना है। और इसके अंदर आपने कॉफी, आप लोग कोई सी भी कॉफी यूज कर लो, ठीक है? और छोटा जो टीस्पून होता है, ये छोटा टीस्पून, ये देखो, ये जो ना आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना। ये हमारी बन गई है ब्लैक कॉफी। अब मैंने आपको क्या बताया है कि 2 दिन आप लोग ब्लैक कॉफी पी लो, 2 दिन आप लोग गर्म पानी पी लो, 2 दिन आप लोग लीमू और शहद डाल के वो पी सकते हैं, ठीक है? गर्म पानी लेना है, उसके अंदर 1 छोटा चम्मच हम लोगों ने शहद का डाल देना है और आधा लीमू डाल देना है, ठीक है? शहद और लीमू कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ये जो है ना, ये जो तीनों ड्रिंक्स हैं, ये क्या है कि हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करेंगे, हमारे टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में होंगे उसको हमारे यूरिन के थ्रू ये सारे रिमूव करेंगे। कोई बंदा भी ये सवाल करे कि नहीं हमें शहद नहीं सूट करता, हमें कॉफी नहीं सूट करती, तो उन लोगों के लिए ये मैंने अल्टरनेटिव दिया है कि आप लोग सिर्फ 7 के 7 दिन गर्म पानी पियो, ठंडा पानी नहीं पीना, पूरे दिन में थोड़ा नीम गर्म पानी पीना है, कोशिश करनी है। इसी तरह से आप लोग फ्रूट्स भी अल्टरनेट कर सकते हो, किसी दिन आप लोग ग्रेप फ्रूट खा लो, किसी दिन आप लोग किन्नू खा लो, किसी दिन आप लोग गुआवा खा लो, किसी दिन आप लोग स्ट्रॉबेरी खा लो, ठीक है? बनाना नहीं खाना हम लोगों ने, और बाकी कोई और फ्रूट नहीं लेना। और इन फ्रूट को भी ये नहीं कि जी बैठ जाओ चारपाई पे और धूप में बैठ जाओ जी 6-7 किन्नू खा लो, नो, 2 किन्नू से ज्यादा नहीं खाने पूरे दिन में। हम लोगों ने कैलोरी डिफिसिट में रहना है, कैलोरीज को काउंट करके, ताकि हमारा वेट कम हो। अब मेरा नाश्ता क्या होता है, ठीक है? मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट ऐसा है कि मैं जो है ना करती हूँ ऑल्टरनेट, क्योंकि जब भी आप कोई डाइट कर रहे होते ना, कोई भी बंदा है, ये मेरी बात नहीं है, सबकी ओवरऑल बात है, हम लोग बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद जी हम लोग को जो लोग खाने खा रहे होते हैं जी, मोल्टन लावा बिरयानिया, हमें उस पर दिल कर रहा होता है कि खा लें खा लें। तो हम लोगों ने ऐसी डाइट खानी है कि हम लोग अपनी डाइट से बोर ना हो। अगर आप लोग एक ही चीज खाते रहोगे ना, तो हमेशा जो है ना आप बोर हो जाओगे। अब नाश्ता में क्या करती हूँ कि 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन मैं 2 अंडे लेती हूँ, बॉयल करती हूँ, उनको बॉयल करके सिर्फ उनकी सफेदी खाती हूँ, और साथ में मैं कोई चाय पी लेती हूँ। चाय में आप लोगों ने शुगर बिल्कुल नहीं डालनी, आप लोग स्टीविया डालो, स्टीविया नहीं ऐड कर सकते तो शक्कर डालो, शक्कर सबसे अच्छा है, शक्कर नहीं ऐड कर सकते तो आप लोग कैंडल डालो। इन 3 चीजों में रहना है, ठीक है? 2 दिन मैं 2 ब्राउन ब्रेड लेती हूँ और 1 हाफ फ्रैक अंडा बनाती हूँ, ठीक है? वो मेरा फेवरेट नाश्ता होता है। उसके बाद 2 दिन मैं जो ना ऑमलेट खा लेती हूँ, 2 अंडों का ऑमलेट बनाती हूँ, उसमें सारी सब्जियां मिक्स करके जी ऑलिव ऑयल में डाल के अंडों का वो खा लेती हूँ, उससे मेरा पेट भर जाता है, कोई ब्रेड नहीं लेती। अगर किसी दिन आप लोगों में से, मैं कह रही हूँ मैं दलिया नहीं खाती, अगर आप लोग दलिया खाओगे, जौ का दलिया बहुत अच्छा होता है, अलफते पे जाओ कहीं से आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग दलिया खा सकते हो। अब जो एक्सरसाइज मैंने आपको अपनी पहले बताई थी कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ,
30 मिनट्स वॉक आपने डेली करनी है, और जो बाकी मैंने एक्सरसाइज बताई थी, जिन जिन लोगों ने मेरी एक्सरसाइज वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके वो देखें ताकि आपको आइडिया होगा, और जिन्होंने देखी भी है उनको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो फुल बॉडी वर्कआउट है, आपकी पूरी बॉडी टोन्ड होगी। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी डाइट प्लान शो किए हुए हैं या जितने भी लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोज बनाई हुई है, उन्होंने अपना पूरा वेट लॉस करके, मतलब 30 kg 40 kg, जब वो बिल्कुल अपने टारगेट वेट पे आते हैं तब आके वो अपनी वीडियो बनाते हैं। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे सब लोगों ने कहा नहीं हमारा, आप डाइट करियो, प्लीज आप भी हमें बताओ, आप हमें रिकमेंड करो कि हम भी आपके साथ करना चाहते हैं। तो आप लोगों की वजह से अभी मैं अपने टारगेट वेट पे नहीं पहुंची, 10-15 kg मेरा वेट अभी ज्यादा है। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि मैं पहले कैसी थी, फिर मेरा बेबी का पूरा एक, आपको पता है, प्रेगनेंसी हुई, फिर मेरा बहुत ज्यादा वेट गिन हुआ, 105 किलो पे मैं चली गई थी, 105 kg, मतलब एक्सेल भी मुझे नहीं आता था, डबल एक्सेल आने लग गया था। उसके बाद जी मैंने अपना वेट 6-7-8 किलो तो खुद ही गिर गया था, ये पता बेबी का वेट होता है, वाटर वेट होता है ये वो। उसके बाद जी मैंने मेहनत करना शुरू की, मेरा सी सेक्शन हुआ था, 6 महीने तक मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, थोड़ा थोड़ा मतलब डाइट की, कभी करती थी कभी नहीं करती थी, घर वाले कहते थे नहीं तुम करो, और बाकी जी 6 माह के बाद मैंने स्ट्रिक्ट डाइट की। अभी मेरा बेबी बिल्कुल 7 मंथ्स का हुआ है, इसी सेक्स को 1 माह हो गया, मैं स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ। जो मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ इससे आप लोगों का 6-7 किलो 1 महीने में गिर जाएगा, अगर आप लोग कंसिस्टेंसी से करोगे तो, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। और जो जो चीजें मैं आप लोगों को अल्टरनेट्स बता रही हूँ ना, आप लोगों ने वो लाजमी करना है, क्योंकि वरना आप बोर हो जाओगे। तो मेरी रूटीन थोड़ी डिफरेंट है, मैं 10-11 बजे उठती हूँ और मैं 2 मील लेती हूँ, मैं ज्यादा मील्स नहीं खाती। नाश्ता करने के जी 2 घंटे के बाद जो है ना, जब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मैं नहाती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ने के बाद ये दोपहर की बारी आ जाती है, मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ खाऊं, तो मैं फ्रूट स्नैक्स में रहती हूँ, मुझे फ्रूट्स पसंद है। एक दिन मैं ग्रेप फ्रूट खा लेती हूँ, एक दिन मैं 2 किन्नू खा लेती हूँ, एक दिन मैं एक गुआवा खा लेती हूँ। अब आप लोग खुद भी गूगल करके देख सकते हो कि एक गुआवा में कितनी कैलोरीज होती हैं, किन्नू में कितनी कैलोरीज होती हैं, बहुत कम कैलोरीज होती हैं। ये नहीं कि 5-6 किन्नू आप लोगों ने खा लेने हैं, साथ में फिर मैं पीती हूँ ग्रीन टी, ठीक है। ग्रीन टी जी मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है ग्रीन टी की। मैं कभी जो ना कोई वनीला फ्लेवर वाली ले लेती हूँ, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली लेती हूँ, कोई पीच फ्लेवर वाली ले लेती हूँ। ग्रीन टी भी डिफरेंट डिफरेंट करके पीती हूँ, ये लोग मैं एक ही चीज़ से बोल रहा हूँ। वाटरमेलन वाली भी मेरे पास है, मैं अभी आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। 6 बजे मैं खाती हूँ किसी दिन, जो कल मैंने आपको दाल की रेसिपी दी थी वो प्रोटीन डाइट है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जब आप लोग डाइट लोगे ना तो बाल गिर जाएंगे अगर आप लोग प्रोटीन्स नहीं लोगे। अब ऑल्टरनेट कैसे है कि कुछ लोग, आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो मटन लवर होंगे, मैं मटन लवर नहीं हूँ, मैं चिकन खाती हूँ, आप लोगों में से कई लोग होंगे जो चिकन लवर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा डाइट प्लान लेके आई हूँ कि हर बंदा डाइट कर सके और उसको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इससे एक इम्पॉर्टेंट बात पहले ये है कि जो बंदा भी जब डाइट करता है ना, जो डाइट वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि जब आप नॉर्मल खाना खाओगे, आप डाइट नहीं करोगे, घर में बिरयानी बनी जो आपने बिरयानी खा ली, घर में तोरियां बनी आपने खा ली, भिंडी बनी, आलू गोश्त बना, कुछ भी बना आप खा लोगे रोटी के साथ, ठीक है। लेकिन जब आप डाइट करोगे तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, फ्रूट्स भी थोड़े स्पेसिफिक लेने पड़ेंगे, और आप लोगों को अगर प्रोटीन डाइट लेनी है जो मैं खाती हूँ, तो उससे यह है कि मेरा वेट भी गिरता है, मेरा पेट भी भरा रहता है, और दूसरी बात है कि मेरे बाल नहीं गिरते। अब मैं क्या करती हूँ कि एक दिन मंडे को मैं किसी दिन ग्रिल्ड फिश खा लेती हूँ। अगर आप लोगों ने फिश की रेसिपी नहीं देखी तो आप लोग मेरी वो वीडियो देखो और आप लोगों को वहां से पूरी रेसिपी मिल जाएगी, ग्रिल्ड आप लोगों ने एयर फ्राई में करनी है। तो एक दिन मैं टिक्के खा लेती हूँ, एक दिन मैं कबाब खा लेती हूँ, हर दिन मैं डिफरेंट खाती हूँ। किसी दिन अगर मेरा सब्बे खाने को दिल कर रहा है तो मैं सब्बे का सैंडविच खा लेती हूँ। 300 कैलोरीज जो है मैं जो है ना क्या कहते हैं अपने वॉक में और एक्सरसाइज वगैरह में अपनी बर्न करती हूँ डेली। मुझे होता है कि मैं डेली 250-300 कैलोरीज बर्न करूं। 7 बजे के बाद मैं आप लोगों को, चलो ये कह देती हूँ, आप लोग कहोगे हमारा तो इतनी स्ट्रिक्ट वो है, तो आप लोग 8 बजे के बाद जो है ना आप लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर रात को बहुत दिल करता है, बहुत दिल कर रहा है, चलो फिर आप लोग चाय पी लो 9 बजे, 9 बजे के बाद कोशिश करो आप लोग ना खाओ। आप लोगों ने कोशिश करनी कि पानी ज्यादा हो और दूध कम हो, वो वाली चाय आप पीना शुरू कर दें। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब मेरे घर में बहुत अक्सर पिज्जा आ रहा होता है, कभी बर्गर आ रहे होते हैं। आई मान लो जब मैं एक चीज पे कह देती हूँ ना कि नहीं मैंने ये चीज करनी है, फिर चाहे मेरे मुंह के आगे यहाँ पे भी कोई चीज रख लेता है ना, चाहे वो मेरी फेवरेट डिश, आप सबको, मेरे जितने भी पुराने फॉलोअर्स उनको पता है मैं कोक नहीं छोड़ती थी, मैं कोक बहुत पीती थी। आप यकीन करो मैंने कोक को टच भी नहीं किया,
मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कोक, मैं बहुत ज्यादा पीती थी। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों को जितने ऑल्टरनेट चीजें मैंने बताई हैं, आप लोग अगर ये करोगे और साथ में आप लोग 30 मिनट्स वॉक करोगे तो 100% इंशाल्लाह आप लोगों का वेट गिरेगा। आप ऐसा करते हैं जी, चैलेंज ले लेते हैं, मिल के ले लेते हैं, मेरे साथ चैलेंज ले लो आप लोग, ठीक है। मैं भी चैलेंज लेती हूँ, आप लोग भी चैलेंज ले लो। जितनी न्यू मॉमीज हैं, जो जो मेरे साथ डाइटिंग करना चाहते हैं, हम लोग स्ट्रिक्ट होके करेंगे। आप लोगों ने ना ऐसा करना है कि जो दोपहर होती है, दोपहर को अगर आप लोगों को फ्रूट्स नहीं पसंद आ रहे या ये जो भी मैंने फ्रूट बताया नहीं है, तो आप लोग सैलेड का बाउल ले लो। सैलेड में क्या है जी, प्याज भी घर में होते हैं, टमाटर भी घर में होते हैं, आप लोग अनियंस डालें, चीज़ें डालें, थोड़ा सा सॉटे करें, उसके अंदर आप थोड़ा सा ग्रिल्ड चिकन डाल लो, फजीता फ्लेवर का आप लोगों को मिल जाएगा, शान का मसाला, तो आप लोग वो डाल के थोड़ा सा फ्राई करके ऑलिव उसमें पूरा आप सैलेड खा सकते हो। थोड़ी सी अगर आप मेयोनीज भी डालोगे तो वो अच्छा हो जाएगा, ठीक। कॉन्स्टिपेशन तब नहीं होगी जब आप लोग पानी का इंटेक भी ज्यादा करोगे, ठीक है। अगर आप लोग पानी का इंटेक ही नहीं करोगे तो फिर भी वेट स्टक हो जाता है। माना ने तो हमें चैलेंज दिया था और उसने कहा था कि 6 किलो गिरेगा, इतना ऐसा नहीं है। सम टाइम हमारा वेट गिरा होता है, सम टाइम ऐसा आता है कि वेट गिर ही नहीं रहा होता। एक हफ्ता हो गया मेरा 1 किलो नहीं गिरा, 1 किलो नहीं गिरा, वरना मेरा एक हफ्ते में 1.5 किलो या इतना गिर जाता है। मैंने कहा नहीं गिरा, ऐसा हुआ अचानक अगले दिन मैं रखी और 2 kg मेरा एकदम गिर गया। तो कभी वेट स्टक हो जाता है और अचानक भी गिरता है, तो परेशान नहीं होना। बहुत सी ऐसी बॉडीज हैं जो जल्दी वेट लॉस कर लेती हैं, बहुत सी ऐसी बॉडीज हैं जो जल्दी वेट बढ़ा लेती हैं, बहुत सी ऐसी बॉडीज होती हैं जो बहुत कम 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 कम, मतलब उनका 10 दिन में जाके 1 किलो गिरता है। अपनी बॉडी टाइप को पहले जज करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने ये करना है। ये ना हो कि आप लोग परेशान हो, अब किसी की बॉडी टाइप हो के जी उसके वेट, उसका वेट नहीं गिरता और उसके इंचेस गिरते हैं, तो आप लोग जी मुझे पकड़ लो, मारा ने तो कहा था 6 किलो गिरेगा, नो। तो ये सब चीजें मैं, एक मिसकॉन्सेप्शन हुई हुई है, वो आप सब लोगों को मैं क्लियर कर रही हूं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हाँ इस तरह से हमने रहना है और अल्टरनेट खाना है, ठीक है। अच्छा, अब बारी आएगी, लोग कहेंगे कि हमारा ने हमें रोटी नहीं बताई। मैं अपनी डाइट में रोटी नहीं खाती क्योंकि मैं प्रोटीन डाइट लेती हूँ, मेरा पेट भरा रहता है। तो आप लोग अगर रोटी नहीं छोड़ सकते तो आप लोग जौ का आटा ले लो। जौ का आटा मैंने भी मंगवाया, अब कल मेरा दिल था कि कभी अगर घर में कढ़ाई बनी हुई है तो एक जौ की रोटी में कुछ 60 कैलोरीज होती हैं या इतनी, बहुत कम होती हैं कैलोरीज, तो आप लोग एक जौ की छोटी सी रोटी बनाओ और रोटी सालन खा लो। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते डाइट, मतलब हम डेली चिकन नहीं खा सकते, हम डेली टिक्के नहीं खा सकते, हम लोग डेली ये नहीं खा सकते, तो आप लोग फिर जौ की रोटी और छोटा इस तरह से खाओ और साथ में सैलड्स खाओ और बाकी वॉक करते रहोगे। जब कंसिस्टेंसी से बंदा करता है ना, हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा पतला नहीं हो सकता, हो सकता है। अब जी 3 महीने का चैलेंज है, देखो मैं अपने मियाँ को भी पतला करी, इतनी बड़ी डाइटिशनिस्ट है हमारा आपकी, देख लो फरहान को भी फुल में पतला करी हूँ। दो लोग मिलके कहते हैं ना, जैसे मैं अब डाइट करती हूँ तो मेरे साथ फरहान भी डाइट, हम सेम डाइट कर रहे हैं, हम मियाँ बीवी सेम खाते हैं सेम। हम जिस दिन चीट करते हैं, 10 दिन बाद में आप लोगों को कहूँगी आप लोग चीट करो, 10 दिन के बाद करनी है, अभी हफ्ता हफ्ता नहीं करनी है, अभी हम लोगों ने 10 डेज के बाद चीट करनी है। पहले मैं हर संडे चीट करती थी, लेकिन नहीं, अभी मैंने भी स्ट्रिक्ट रूल कर लिया कि मैं 10 दिन के बाद चीट करती हूँ, जिस दिन उस दिन जो मेरा दिल करता है मैं खा लेती हूँ। तो आप लोग भी खा सकते हो, अगर आप लोगों को चॉकलेट का दिल करे, कुछ करे, तो आप लोग उस दिन चीट मील में खा सकते हो। 2 महीने 3 महीने लगते हैं, जितना मोटा बंदा होगा ना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अगर वो कंसिस्टेंसी से कोई काम करेगा, ठीक है। बाकी जी अगर आप लोगों को मेरा डाइट प्लान अच्छा लगता है और आप लोगों का दिल करता है कि हाँ हम लोग करें, किसी दिन सूप पी लो, किसी दिन सूप का नहीं दिल कर रहा तो किसी दिन दाल खा लो, दाल का नहीं दिल कर रहा तो बाकी टिक्के हो गए, कबाब हो गए, फिश हो गई, ऑल्टरनेट डेज में आप लोगों ने सब कुछ खाना है। अभी जी 10 to 15 kg मेरा भी रहता है वेट और कम करने में, तो 2 से 3 महीने का टारगेट है मिनिमम। हम चलो 5 किलो कहते हैं कि 1 महीने में हमारा 5 किलो गिरेगा, तो हम देखते हैं कि 3 महीनों में हमारा 15 kg गिरता है या नहीं गिरता। और जो लोग आप लोग मेरे साथ करोगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है आप लोगों को नहीं समझ आती तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि आप बता दें प्लीज़ अपना डाइट प्लान। तो आप लोग मेरे साथ अगर करना चाहते हो तो कमेंट्स में चाहिए कि हमारा हम स्टार्ट करें, फिर चैलेंज हो जाएगा आपका मेरा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो ना फिर इंचेस भी लूज होंगे, वेट भी लूज होगा और आप लोगों को बहुत मजा आएगा। शुरू में बहुत मुश्किल होता है, मैं भी डाइट करती हूँ, दिल करता है, भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत हो जाती है। अब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, मैं कोई 16 to 17 hours की मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, मैं अगले दिन जाके खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अब भूख नहीं लगती। फिर जब गिर रहा होता है वजन तो फिर मज़ा आता है, ठीक है। तो इवन आप लोग मेरी पहले की वीडियोस देख लो, आप लोग 2 महीने पहले की मेरी वीडियोस देखो, आप लोगों को पता चलेगा, खुद आप लोगों को फील होगा, मैं नहीं बताती,
उससे फिर 2 महीने पहले की वीडियोस देखो, आप लोगों को पता चल जाएगा पूरे टीवी में मेरा मुंह आता था, इतना मोटा। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ही होता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसा डाइट प्लान दे दूं कि 1 महीने में 10 kg गिर जाए। नो, हम लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, साथ में मल्टी विटामिंस भी लेने हैं, कैल्शियम भी लो। बाकी जी, होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, हो गया जी, टेक केयर, लाफेस।